चलो दोस्तों, ये खा रही है अपना बाजरा, इसको मैं थोड़ा सा बाजरा दे दिया। चावल समझ आता है चावल खा लेती है, बाजरा समझ आता है बाजरा खा लेती है। बाकी अभी मैं इसके अंडों को चेक कर लेता हूँ कि सही हीटअप हुए हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद फिर आ जाओ, उस तरफ आ जाओ, बस हमें मारना मत। हाँ दोस्तों, अच्छे खासे गर्म हो रहे हैं अंडे, ये भी गर्म हो रहा है। अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत गर्म हो रहा है। बस इसको जो है ना, अभी एक आध दिन और हो जाए, उसके बाद फिर हम इसकी फर्टिलिटी चेक करते हैं। इसने सारी घास नीचे से हटा दी है, वो खाली साइडों में घास कर दी है। खैर इसकी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से देख लेगी। बाकी थोड़ी बहुत और घास सोच रहा हूँ डाल दूँ अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से जो हमने तोता पकड़ा था वो भी बिल्कुल सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह खा पी रहा है। रात को मैंने इसको अंदर कर दिया था, अभी यहाँ पर खोल दिया। माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती चेक करें। अभी आपको इसकी रेड आइज़ दिख रही है, और ये प्रिया जी मेरे ख्याल में इसको, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा बोलता है यार। इसका चेक करेंगे क्या है, मेल है फीमेल है, फिर हम जो भी होगा वो लेकर आएंगे। बाकी हमारी फिंचर माशाल्लाह जावा सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दोस्तों अभी हमने अपना किचन को सेट करना है अंदर, मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। ये जो हमारा चूल्हा रास्ते में पड़ा हुआ है ना, कि घर वाले भी मना करें तो ये इस जगह पर जो है ना बड़ा प्यारा लगेगा। यहाँ पर हम अपने सारे जो यूज़ेबल बर्तन हैं वो सारे लगा के यहीं पर इसको कनेक्शन देके यहाँ इसको सेट कर देंगे पूरे को। काफ़ी बड़ा स्लिप है अभी तो, गंदा हो रहा है थोड़ा सा, इसके वजह से फैलाव उठाते हैं, उसके बाद फिर हम काम करते हैं। ऊपर वाला स्लिप तो बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है, ये सही है। अच्छा दोस्तों, अंदर जो है ना ये जाके बैठ गई है दोबारा। अभी मैंने इसका यहाँ पर दोस्तों दाना भी रख दिया है और पानी भी रख दिया है। आप दोनों ये देख सकते हैं, इसने पूरा नहीं खाया था तो मैंने अंदर ही डाल दिया। अब इसको रात बेरात अगर भूख लगी तो ये आराम से यहाँ आएगी और इसको आराम से खा लेगी। तो टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, बस मज़े मज़े से अंडे सेको, आपका खाना पानी ये रखा हुआ, सुकून से यहाँ बैठो। अच्छा दोस्तों, यहाँ थोड़ी गर्मी है, लेकिन जो पहले यहाँ पे हमने रखा था ना, वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा थी तो ये डिस्टर्ब हो रही थी। यहाँ ये सुकून से जो है अब प्रॉपर यहाँ पे आके बैठने लगी है। तो अब बारी है इनको खोलने की, तो मैं जल्दी से इनको खोल देता हूँ। ये थोड़ा बहुत जो है ये इसको खा लेंगे। आ जाओ, ये माशाल्लाह बहुत हैवी हो रहा है, इसका कद वगैरह जो है बड़ा प्यारा सा बनता जा रहा है दोस्तों। हमारे मुर्गे की टक्कर पे आ रहा है, ये हमारा मुर्गा और ये छोटा वाला चूज़ा जो था। अभी देखेंगे, माशाल्लाह से हाइट दोनों की बराबर हो चुकी है, सेहत में उस बराबर नहीं है, लेकिन ये एक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हमने ये सब कबाड़ जो है, ये सब कबाड़ जो है दोस्तों हमने सबसे पहले हटाना है। तो सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा दूँ। तो फिलहाल तो अरे यार, इसको ऐसे उठा के फिलहाल इधर ही रख देते हैं। बाद में इसको देखेंगे क्या करना है। जल्दी जल्दी जो है, अरे दोस्तों हमारा पूरे का किचन का काम तो है नहीं, बस हमारा इतने हिस्से का काम है तो हम इसको इसी हिस्से को सेट कर लेते हैं। अभी झाड़ू लेकर आता हूँ। दोस्तों बहुत जो है धूल उड़ी है, मैंने मास्क नहीं पहना था, मैंने शर्ट से ही काम करा लिया। बिल्कुल साफ हो गया, अभी ये नीचे से भी समेट दूंगा। भाई अभी लेके आता हूँ अपना चूल्हा। स्लिप भी छोटा पड़ गया दोस्तों, आप देख सकते हैं ये स्लिप जो है हमारा छोटा पड़ गया। यहाँ पे जो है ना ये स्लिप पूरा नहीं आ रहा हमारा जो चूल्हा बाहर, लेकिन हमारे पास इसका भी इलाज है। मैं ईंटे ला के रख दूंगा और इसके ऊपर इसको हम टिका देंगे तो उसके बाद ये रुक जाएगा। दोस्तों देखें, सिंपली मैंने दो ईंटे रखी हैं जिससे हमारे जो स्लेब है इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई है, बल्कि जो हमारी ईंटे लग रही हैं उससे हमारा जगह कवर हो गई है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा नया कर लें, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। हो गया दोस्तों, किचन हमारा हो गया सेट अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर बर्तन वर्तन ऐसे ही रख दिए हैं। बेसिकली काम हमें ज़रूरत का है, इसलिए हम ज़रूरत का काम करेंगे, कोई इसको सजाने वजाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि अभी हम अपने परिंदों के लिए, जब किचन सेट हो ही गया है तो लगे हाथों अपने परिंदों के लिए
हम चावल भी तैयार कर लेते हैं। थोड़े से मैं चावल लेकर आया हूँ, इनको हम बॉईल कर लेते हैं फटाफट। तो पहले मैं भर लेता हूँ पतीला धो के पानी। अच्छा दोस्तों आग लगाते हैं। लग जा भाई, लग गई। ये आ गया हमारा पतीला, ये चावल। अब जैसे ये तैयार होते हैं उसके बाद फिर इसको हम अपने परिंदों को देते हैं। अच्छा दोस्तों चावल हमारे हो गए हैं रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैंने बंद कर दिया है। अब ये है कि इसको फटाफट निकालते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं। हाँ चलो ये तो गर्म नहीं हो रहा, थोड़ा सा इसको ठंडा करते हैं यहाँ पे बाहर हवा में, उसके बाद फिर अपने परिंदों को हम देते हैं। यहीं रख दो इसको भी। ओके तो दोस्तों चावल आ गए हैं, ठंडे भी हो गए। फटाफट फटाफट जो है ना, टाइम ज़्यादा हो गया, 6 बज गए। उससे पहले ही सोच रहा हूँ क्योंकि ना फिर ये खा नहीं पाएंगे, मैं इतना बोल रहा हूँ, बाकी हमारी मुर्गी खा लेगी। तो दोस्तों फटाफट रखता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा दोस्तों इनको डाला है। अच्छा दोस्तों इनको दिया भी अभी, ये भी माशाल्लाह बड़े मज़े से खा रहे हैं। इनके पिंजरा बिल्कुल सही है, बाहर आने की इनको बड़ी लगती है यार। ये जो है ना बस कोशिश करते हैं कि जरा हम बाहर आ जाएं, अंदर नहीं बैठते। बाकी इनको भी पानी भी देना है, ये मज़े से खा लेंगे, शौक से खाते हैं बड़े ना। लेकिन यार 30-30 फीट से बड़े नहीं रहूँगे, फीड नहीं दे रहा ना मैं, इसलिए ये इतनी ज़्यादा बात। अगर फीड चल रही होती इनको तो ये तो अभी पता नहीं काफ़ी बड़े हो चुके होते अगर फीड चल रही होती तो। दोस्तों एक मसला हो गया, हमने अपनी सारी चिड़ियों को दे दिया, मुर्गों को दे दिया, चूज़ों को दे दिया, बस हमारा ये तोता रह गया बेचारा, इसको तो हम भूल ही गए। एक टांग उठा के सजा दी हुई इसने अपने आप को, तो इसका क्या करें यार। नीचे पता करता हूँ, अगर नीचे हुए देखता हूँ अगर तो इसको हम ला के देते हैं, क्योंकि सारे तो हमने दे दिए, इधर दे दिया, उधर दे दिया, चूज़ों को दे दिया, सारे ख़त्म हो गए। बाकी अब इनमें से उठा के दे सकते हैं, लेकिन या चलो मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा फिंचों में से जावा में थोड़ा थोड़ा उठा के इसको देता हूँ, बेचारा बोर हो रहा है, ये भी खाता है। रुक जा अभी बेटा थोड़ी देर, बस देता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ फिंच में से, ज़्यादा नहीं खाएगा वो, इतना बहुत है इसके लिए। थोड़ा सा जावा में से निकाल लेंगे, हमारे तोते का पूरा हो जाएगा। अभी देखते हैं उसके बाद ये खाता ही नहीं खाता। अच्छा दोस्तों अभी मैं फिंच की कॉलोनी में आया थोड़ी देर बाद ऊपर छत पर। तो याद होगा आपको पिछली वीडियो में हमने 2 बच्चे, एक ये बच्चा और एक ये बच्चा कोने वाली मटकी से निकाला था। और अभी मैंने आके देखा यार बेचारा हमारा एक बच्चा एक्सपायर हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, देखें माशाल्लाह से उड़ रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये दोनों बच्चे दिखाए थे, अब इसमें से बेचारा एक जो है हमारा एक्सपायर हो चुका है। यार पता नहीं क्यों इतने छोटे छोटे से बच्चे हमारे पास जो है ना सर्वाइव नहीं कर पा रहे, जबकि इनके पास दाना भी, मैं देखें आप किस तरह देखें, ये मैं भर के जो है दाना अंदर रखता हूँ। ऐसा भी नहीं कि भूख से मर रहे हों, इनके माँ बाप पता नहीं इनको फीड नहीं करवा रहे, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। जबकि ये तो इतने अच्छे होते हैं पेरेंट्स, अपनी इतनी अच्छी फीड करवाते हैं, लेकिन पता नहीं काफ़ी टाइम से दोस्तों मैं नोट कर रहा हूँ कि हमारे जो फिंच के चिक्स हैं ना वो बेचारे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अब आप ये देखें इसको, बेचारा कितना छोटा था, अब पता नहीं इसको भी सर्वाइव, इसको तो खैर अच्छी खासी सेहत है इसकी माशाल्लाह से, ये तो मुझे सही लग रहा है। खैर दोस्तों इसको बाहर लेके चलते हैं, पता नहीं क्या वजह हुई है। तो दोस्तों ये चेक करें, बेचारा हमारा एक चिक जो कि ज़ाया हो गया। फ़िलहाल मैं इसको अभी यहाँ रख देता हूँ, इसको हम कहीं साइड पर रख देंगे। भाई जी दोस्तों पता नहीं फिंचों का क्या मसला है, ये ना हमारे पास अंडे आते हैं, बच्चे निकलते हैं, बच्चे मटकियों से बाहर आते हैं, कुछ तो मटकियों में बेचारे मर जाते हैं, कुछ बाहर आके मर जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है, समझ से बाहर है। फ़िलहाल देखते हैं ये एक बच्चा बड़ा होता है नहीं होता, क्योंकि एक टाइम हो गया हमने कॉलोनी लगाई भी है यहाँ पे, नेस्टिंग भी दी हुई है, मटकियाँ भी दी हुई हैं, बस बच्चे नहीं आ रहे, चिक्स नहीं आ रहे। खैर दोस्तों देखते हैं अभी। अच्छा तो दोस्तों ये आ गया इसका अंदर चावल, अब खा लेगा ये। दोस्तों मैं यहीं करीब में बैठ गया हूँ, अभी देखते हैं ये खाता है नहीं खाता, नीचे रखा हुआ है, जैसे ही खाएगा वैसे इसकी थोड़ी बहुत वीडियो बना के मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा दोस्तों ये तो जा नहीं रहा भी खाने, ये शायद ऊपर बैठ के दाना ही खा रहा है। तब तक मैं अपने मुर्गों को खोल दूँ, उससे पहले जो है उसका दरवाज़ा बंद कर दें और ये उठा लें। दाना खा लिया इसने, थोड़ी बहुत रोटी छोड़ दी, वो हमारे मुर्गे खा लेंगे। चलो आ जाओ तुम लोग 10 मिनट के लिए बाहर, खाना वाना खा लो फिर चले जाना। ओके दोस्तों ये अपना खाना पीना कर रहे हैं, ये खा पी लेंगे फिर मैं इनको बंद कर दूंगा। तो दोस्तों
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।